हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो साथ साथ। इससे ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ डालूँगा, न्यू लेक्चर्स डालूँगा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो @gofforagriculture। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का जो दूसरा नाम है वो नर्व सेल्स होता है। तो अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें तो न्यूरॉन्स जो क्या है, फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, और ह्यूमन बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। बेसिकली अगर एक नर्व सेल यानी न्यूरॉन को देखें तो उनमें दो कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। जो फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और दूसरा होता है इसका प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो सेल बॉडी कहने का मतलब क्या है, जो बड़ा सा जो पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम साइटोप्लाज्म या फिर उसका साइटोन रीजन कहते हैं, ये जो आगे का पार्ट दिख रहा है ना, ये बड़ा सा पार्ट जो सर्कुलर है थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। इसका दूसरा नाम साइटोन भी होता है, और दूसरा कहा जाता है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस मतलब अपेंडेजेस। तो सेल बॉडी से जो भी अपेंडेजेस निकले हुए हैं, ये सारे जितने जिस पे डेंड्राइट्स लिखा हुआ है, और ये जो एक्सॉन है जो लंबा सा फिलामेंट टाइप है, ये सारे क्या है, इसके प्रोजेक्शंस हैं। तो प्रोजेक्शंस मतलब जो सेल बॉडी का एक्सटेंशन होता है उसको हम प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो बेसिकली एक नर्व सेल में दो तरीके का प्रोजेक्शन होता है। पहला, जो साइटोन से छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं उनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई अगर सेंसरी ऑर्गन है, अगर वहाँ से अगर कोई सेंसेशन मिला है, स्टिमुलस मिला है, जैसे इसको कोई टच किया है किसी ऑर्गन को, तो वो क्या करेगा, ये वाला पार्ट जो है सेंसरी जो रिसेप्शन है उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसको साइटोन की तरफ भेजेगा यानी सेल बॉडी की तरफ, और फिर वो इम्पल्स जो है वो सेल बॉडी से होते हुए जो लंबा वाला प्रोजेक्शन है, ठीक है, इसकी तरफ जाता है। इसको हम लोग ये जो लंबा वाला प्रोजेक्शन है इसको एक्सॉन कहते हैं, और इसको ये जो प्रोजेक्शन है छोटे छोटे इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, ठीक है। और जो एक्सॉन है इसके आगे जब हम जाते हैं तो एक्सॉन के एंड पे नर्व एंडिंग पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं यानी नर्व सेल्स। उसके दो एक्सटेंशंस होते हैं, एक डेंड्राइट और दूसरा एक्सॉन, ठीक है। अब जो नर्व एंडिंग है वो नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्ट, मतलब ये जो पार्ट है वो आगे या तो हो सकता है नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्ट हो, और न्यूरॉन का कौन सा पार्ट आगे जाए कनेक्ट होगा, ये जो पहला वाला जो है नर्व एंडिंग है, मतलब नर्व एंडिंग है ये जाके डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा। मतलब अगला जो न्यूरॉन एकदम सेम ऐसा एक और न्यूरॉन अगर हम रखें तो उसका न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा इसके नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होगा, या तो पहला कंडीशन ये हो सकता है। और दूसरा, या तो कोई यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन हो, जैसे इफेक्टर ऑर्गन कैसे, अगर मान लेते हैं हमारा मन हो रहा है कि हम क्या करें, क्या करना चाहते हैं, अपने एल्बो को या फिर हैंड को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ब्रेन से सिग्नल क्या आएगा, इस डेंड्राइट को क्या सिग्नल मिलेगा, ये जो ये वो वाला न्यूरॉन होगा जो हमारे मसल्स के साथ अटैच्ड होने वाला, यानी इस एंड पे क्या है, मसल अटैच्ड है, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, इंपल्स जाएगा, हमारे ब्रेन से जो सिग्नल आया है, इंपल्स आया है, वो जाके इस वाले नर्व एंडिंग पे क्या करेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन करेगा, और यहाँ के जो मसल्स हैं यानी इफेक्टर ऑर्गन है इसको क्या बोलेगा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। वो क्यों होगा वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नर्व एंडिंग पे क्या होगा, वो इफेक्टर ऑर्गन को क्या करेगा, केमिकल के थ्रू सिग्नल देगा कि कॉन्ट्रैक्ट होना है मसल को, और यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमारा हैंड का मूवमेंट होता है। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है इंपल्स का वो इधर से इधर की तरफ होता है, यानी सेल बॉडी से लेके उसका एक्सटेंशन यानी एक्सॉन की तरफ, फिर नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से जाता है हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन तक या फिर इफेक्टर ऑर्गन तक। अगर हम बात करें इंसेक्ट में, तो न्यूरॉन्स जो होता है वो क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, इवन ह्यूमंस में भी करता है, लेकिन वो केमिकल, हम बेसिकली यहाँ पे इंसेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इंसेक्ट में जो न्यूरॉन होता है वो केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है। कहाँ रिलीज करता है, जो एक न्यूरॉन है जो दूसरा न्यूरॉन है इसके बीच में, यानी गैप, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और एक जो पूरा सिस्टम बनता है वहाँ पे, यानी नर्व एंडिंग प्लस गैप जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, और जो डेंड्राइट का एंडिंग है, वो एक जो पूरा सिस्टम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो बात है कि इंसेक्ट में जो नर्वस सिस्टम है वो केमिकल से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। अब वहाँ पे दो तरीके के केमिकल हो सकता है, फर्स्ट आगे के एक्शन को रोकना हो, यानी आगे कंडक्शन नहीं करना हो, ठीक है, यानी इनहिबिट करना हो, या फिर आगे कंडक्शन बढ़ाना हो। मान लो जैसे यहाँ से नर्व इम्पल्स आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दौड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमें मान लो किसी कुत्ते ने दौड़ा दिया, तो हम क्या, मेरा जो ब्रेन है वो क्या सिग्नल दे रहा है कि जल्दी से अपने लेग के मसल्स को क्या करो, पुल करो और दौड़ना स्टार्ट करो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करो, दौड़ना स्टार्ट करो। तो यहाँ से वो सिग्नल आएगा, ठीक है,
और यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे जाके जो यहाँ पे मसल अटैच्ड है वहाँ पे उसको सिग्नल देगा कि तुम क्या करो, जल्दी से दौड़ना स्टार्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो मसल्स को। तो ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेट करना, ठीक है। मतलब मसल्स को क्या करना है, स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो एंजाइम या फिर जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, यानी स्टिमुलेट करने के लिए जो न्यूरो ट्रांसमीटर है कौन सा है, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मान लो हम दौड़ते दौड़ते आगे तक निकल गए, अब कुत्ता हमारे पीछे नहीं आ रहा है, तो हमारा जो दिमाग क्या बोलेगा कि नहीं अब इसको क्या करना है, अब रुक जाओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद करो। तो इनहिबिटरी एक्शन जो होगा, तो यहाँ से इंपल्स सेम तरीके से, उसका मैकेनिज्म बहुत लंबा है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सिग्नल कि अब इसको इनहिबिट करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बंद करना है। तो यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर उस टाइम रिलीज होगा वो एसिटाइल कोलिन नहीं होगा, वहाँ पे कोई इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस, फॉर एग्जाम्पल गाबा, ठीक है, इतना याद रखना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे और उसके फंक्शन पे। तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो जो न्यूरॉन है वो तीन तरह का होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पहला मोनोपोलर, दूसरा बाईपोलर और तीसरा मल्टीपोलर। तो मोनोपोलर मतलब क्या हुआ, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। मोनोपोलर या फिर यूनिपोलर किसको बोलेंगे कि सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन निकला हो, ये पूरा एक सेल बॉडी है, देखो एक ही एक्सटेंशन निकला है, बस एक ही पार्ट निकला हुआ है, चाहे वो आगे जाके एक्सटेंशन बाइफर्केट हो जाए, तीन पार्ट में बढ़ जाए, उससे मतलब नहीं है, सेल बॉडी से एक्सटेंशन एक ही है ना, इसलिए इसको मोनोपोलर या फिर यूनिपोलर बोलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन जिसके सेल बॉडी से दो एक्सटेंशन निकला हो, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है मल्टीपोलर, जैसे हम जो नॉर्मल जो न्यूरॉन देखते हैं वो ऐसा ही होता है, मल्टीपोलर मतलब इसके सेल बॉडी से बहुत सारे एक्सटेंशन निकले हुए हैं, जिसको मैंने जैसे भी क्या बताया था, डेंड्राइट्स, और जो लंबा वाला है इसको क्या बोला था, एक्सॉन बोला था, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने हो गए, तीन, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। अगर हम फंक्शनल बेसिस पे देखें, अगर इनके पोजीशंस के बारे में बात करें, तो बाईपोलर न्यूरॉन हम जनरली देखते हैं किसी भी एनिमल के आई में, ठीक है, और मल्टीपोलर तो जनरली हर जगह पाया जाता है, और ये जो है स्पेशली ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, यूनिपोलर, ठीक है। दूसरा हमारा फंक्शनल बेसिस, तो फंक्शनल बेसिस पे जो न्यूरॉन्स हैं वो तीन टाइप के हैं। फर्स्ट जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा है मोटर न्यूरॉन और तीसरा है मिक्स न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होगा, जो हमारा सेंस ऑर्गन है, जैसे हमें किसी ने टच किया हमारे स्किन पे, ठीक है, तो स्किन एक क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। तो वहाँ से जो हमारे ब्रेन को सिग्नल जो भेज रहा है जो नर्व, ठीक है, जो न्यूरॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। यानी जो सेंसरी ऑर्गन से कहाँ भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आगे हम इसका पढ़ेंगे पार्ट कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, यानी हम कह सकते हैं ब्रेन आता है और भी पार्ट्स आते हैं, लेकिन बेसिकली ब्रेन के बारे में बात करें तो फंक्शनल बेसिस पे जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक, यानी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो क्या कहता है, इंपल्स भेजता है, फिर सिग्नल भेजता है, उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन, अगर कोई सेंसेशन यानी कोई रिस्पॉन्स आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वो वापस इफेक्टर ऑर्गन के पास भेजना, वो मोटर न्यूरॉन का काम है। और जो मिक्स न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन और मिक्स मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे किसी ने टच किया यहाँ पे, तो यहाँ से सिग्नल क्या जाएगा, या फिर मैंने कोई हॉट पैन को टच किया, तो यहाँ से जैसे मुझे हीट सेंस हुआ, तो यहाँ पे मेरा जो सबसे स्किन के पास जो न्यूरॉन होगा वो सिग्नल भेजेगा कंडक्शन इंपल्स करते हुए न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे ब्रेन को, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने कोई हॉट टच को क्या किया है, हॉट चीज़ को क्या किया है, टच किया है। तो वो जो सिग्नल भेजा गया है वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। दूसरा, अब जो सेंसरी न्यूरॉन है, अब वहाँ पे CNS को तो मैसेज तो मिल गया ब्रेन को, अब ब्रेन रिस्पॉन्ड करना चाहेगा कि अब जल्दी से अपना हाथ हटाओ, तो ये जो सिग्नल होगा मेरे हाथ को यानी इफेक्टर ऑर्गन को किससे आएगा, मोटर न्यूरॉन से आएगा, ठीक है। यानी ब्रेन से जो सिग्नल मेरे इफेक्टर ऑर्गन हाथ हटाने के लिए, हाथ के पास सिग्नल आ रहा है, वो मोटर न्यूरॉन से होता है। और मिक्स न्यूरॉन जो होता है, इन दोनों जो न्यूरॉन्स हैं उनको आपस में क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें इंसेक्ट के बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ध्यान देना, एक वर्ड होता है गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या होता है, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन आर एग्रीगेटेड विद द फाइबर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स एंड दीज आर कॉल्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया मतलब क्या होता है, ये जो सेल बॉडी है ना, बहुत सारे न्यूरॉन्स का ये सेल बॉडी कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट कह सकते हैं या फिर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और आपस में कनेक्ट हो जाता है फाइबर्स के थ्रू। यानी ग्रुप ऑफ जो सेल बॉडीज होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट क्या होता है, कम्प्लीटली ह्यूमन की तरह तो डेवलप्ड है नहीं, तो जो इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लिया से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम होता है उनमें कम्प्लीटली एकदम एडवांस्ड ह्यूमन जैसा नहीं, उनमें क्या होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। यानी क्या है, वो एक्सटेंशन है या फिर ग्रुप है किसका, सेल बॉडीज़ का।
ठीक है। और मोस्टली अगर हम देखें अगर इंसेक्ट्स में तो किस टाइप के जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो होता है मल्टीपोलर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। तो अगर हम नर्वस सिस्टम में इम्पल्स कंडक्शन के बारे में बात करें तो दो तरीके से इम्पल्स कंडक्ट होता है, पहला एक्सोनिक कंडक्शन और दूसरा इंटर न्यूरॉन कंडक्शन। एक्सोनिक कंडक्शन कहने का मतलब क्या है, एक्सोन के अंदर कंडक्शन, ठीक है, यानी जो नर्व सेल है उसके अंदर का कंडक्शन, ठीक है। और इंटर न्यूरॉनिक कंडक्शन कहने का क्या मतलब है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर होता है वहाँ पे इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने कुछ आयंस दिए हुए हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ पे कुछ गेट्स होते हैं जिनके वजह से ये इम्पल्स कंडक्शन होता है। यानी ओवरऑल जो एक्सोनिक कंडक्शन है यानी एक्सोन के अंदर जो कंडक्शन होता है यहाँ पे, वो आयन के इम्बैलेंस होने से कंडक्शन होता है, ठीक है। जो अंदर का फ्लूड है यानी जो सेल के अंदर, नर्व सेल के जो एक्सोन के अंदर जो फ्लूड है उसको हम लोग इंट्रा सेलुलर फ्लूड बोलते हैं, और बाहर वाले को कहते हैं इस वाले रीजन में जो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड बोलेंगे। तो आउटर साइड हमारा सोडियम ज़्यादा होता है और अंदर की साइड यानी इंट्रा सेलुलर न्यूरॉन जो पार्ट है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से यहाँ पे एक ग्रेडियंट यानी चार्ज का ग्रेडियंट बनता है, और जिसके वजह से हम जानते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इम्पल्स का कंडक्शन होता है। इस वजह से हमारा कंडक्शन कहाँ होता है, इसके अंदर एक्सोन के अंदर कंडक्शन होता है, और ये कंडक्शन इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। और इसमें हम देखेंगे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। जैसे हमारे वायर के ऊपर पीवीसी प्रेजेंट होता है वैसे यहाँ पे माइलिन शीथ होता है, जो स्पीड यानी एक तो चार्ज के लीकेज को बचाता है और जो कंडक्शन है एक्सोन में उसको फास्ट कर देता है। दूसरा है एक्सोनिक कंडक्शन, ठीक है। एक्सोनिक कंडक्शन यहाँ मैंने गलती से लिख दिया है, इसको आप ये देख लेना, ये एक्सोनिक नहीं है, ये इंटर न्यूरॉन का कंडक्शन है, और ये जो है ये वाला ये है एक्सोनिक कंडक्शन। तो इंटर न्यूरॉन कंडक्शन में अगर देखेंगे तो ये हमारा एक नर्व एंडिंग है, ठीक है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, और ये जो है हमारा वो क्या है, नीचे वाला पार्ट जो वो है डेंड्राइट का पार्ट। तो एक नर्व एंडिंग यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्ट होने से पहले क्या होता है, एक गैप होता है जिसमें ही केमिकल्स यानी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज आउट होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स मैंने दो एग्जाम्पल दिए, एक स्टिमुलेट के लिए एसिटाइल कोलिन, और दूसरा इनिबीट के लिए मैंने बताया कैटाकोलामाइंस, जिसका एग्जाम्पल गाबा दिया है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आगे के एक्शंस कैसे होने हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है जो गैप है बीच में, ठीक है, इसको हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये जो है हमारा नर्व एंडिंग है, और ये जो है हमारा डेंड्राइट है नीचे। तो इनकम्प्लीट ये जो सिस्टम है इसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। तो इंटर न्यूरॉन कंडक्शन में हमारा केमिकल रिलीज होता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें एक्सोनिक कंडक्शन में तो हमारा केमिकल नहीं रिलीज होता है, यहाँ पे आयंस के डिफरेंस यानी आयंस के ग्रेडियंट बनने से कंडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक्सोनिक कंडक्शन में जैसे मैंने बता दिया कि आयंस की वजह से होगा, और इंटर न्यूरॉन्स के कंडक्शन में क्या होगा, वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रिलीज होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसेक्ट नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हमारा लेक्चर इसी पे होना चाहिए, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है वहाँ पे नर्वस सिस्टम का। तो इंसेक्ट नर्वस सिस्टम जो है वो कंपोज होता है थ्री पार्ट से, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, दूसरा VNS यानी विसरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, बेसिकली ये मेन पार्ट है इंसेक्ट नर्वस सिस्टम का, जिसमें जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, इंसेक्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करना होता है। VNS क्या होता है, VNS विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल मतलब क्या हो गया, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी इंसेक्ट का इंटरनल ऑर्गन्स। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ की एक्टिविटीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है यानी सिंपैथेटिक एक्शन होता है, ठीक है। तो VNS का फंक्शन क्या है, जो भी इंसेक्ट बॉडी में जो खुद से फंक्शन होने वाला है, जैसे इंसेक्ट का ब्रीदिंग हुआ, वो तो हम उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होता बाहर से कि एयर के वजह से कंट्रोल हो रहा है या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, वो इंसेक्ट का क्या है, अपना इंटरनल कंडीशन है, उसके ऑर्गन्स खुद काम कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, विसरल नर्वस सिस्टम। और जो थर्ड है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें क्या होता है, बेसिकली हम इनके वायर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और VNS है, इनको आपस में जो कनेक्ट कर रहा है यानी वायर्स यानी क्या, यानी नर्व्स, यानी जो सेंसरी नर्व्स है यानी मोटर नर्व्स है और मिक्स नर्व्स है, इनको हम पढ़ते हैं PNS के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ ध्यान देते हैं इसके डायग्राम पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम होता है वो ह्यूमंस की तरह क्या होता है, डेवलप नहीं होता है, तो इसीलिए इनका जो पूरा बॉडी है, ठीक है, वो पूरे गैंग्लिया से ही बना हुआ है, ठीक है। जो इनका कंप्लीट नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, गैंग्लिया से बना हुआ है। जैसे इनके हेड रीजन में कुछ गैंग्लियाज होंगे, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ब्लू ब्लू डॉट, ये क्या है, गैंग्लियाज हैं, यानी उनके सेल बॉडी का क्या है, एग्रीगेट है, ठीक है। तो उनके थोरेक्स रीजन में अगर हम देखें तो 8 गैंग्लियाज होती हैं,
ठीक है, सॉरी एब्डोमेन रीजन में अगर देखें तो 8 गैंग्लियाज होते हैं, थोरेक्स रीजन में देखें तो 3 गैंग्लियाज होती हैं, और हेड में अगर देखें तो इनको इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सेफेलिक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हेड रीजन में देखें तो 2 गैंग्लियाज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवर कंप्लीट बात करें तो ये जो गैंग्लिया का नंबर है वो इंसेक्ट टू इंसेक्ट क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, क्योंकि किसी ऑर्गन में क्या होता है, एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, तो वहाँ पे नर्वस कंट्रोल अलग चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ गैंग्लियाज हैं बेसिकली एब्डोमेन रीजन में, वो क्या करता है, डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट इंसेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CNS से। तो CNS भी क्या है, एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी ये भी कंप्लीट गैंग्लिया से बना हुआ है। तो इनमें 2 सीरीज ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो नर्व सेंटर्स होते हैं यानी गैंग्लिया, वो कनेक्टेड होते हैं नर्व फाइबर से आपस में। यानी ये जो गैंग्लियाज है ना, आपस में जो बीच में कनेक्टेड है, ये जो नर्व फाइबर्स हैं, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिव्स, वो क्या होता है, गैंग्लिया आपस में कनेक्टेड होते हैं नर्व फाइबर से, उनको कनेक्टिव्स कहते हैं। और मैंने बताया कि इनमें 2 सीरीज होता है, ठीक है, जो आपस में पैरेलल रन करता है। तो ये जो दोनों सीरीज हैं वो आपस में क्या होंगे, ट्रांसवर्सली भी कनेक्टेड होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कमीसर्स बोलेंगे। तो ये 2 वर्ड ध्यान रखना, कनेक्टिव्स एंड कमीसर्स। ठीक है, अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, CNS। तो CNS का बेसिकली जो कंपोनेंट है वो है ब्रेन, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, थोरेसिक गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया और थोरैको एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो इनके नेम से याद रखना और इनके फंक्शंस को याद रखना बस। जो ब्रेन है वो मेन पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है, और वो 3 सेफेलिक न्यूरॉन्स या फिर न्यूरोमियर्स से बना हुआ है। यहाँ पे न्यूरोमियर्स का मतलब क्या हुआ, न्यूरोमियर्स मतलब हुआ कि जो न्यूरॉन्स है वो भी अंडर डेवलप्ड है, यानी क्या है, वो एम्ब्रायनिक कंडीशन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमियर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन है वो 3 सेफेलिक मतलब हेड वाले न्यूरोमियर्स से बना होता है। जो पहला होता है वो होता है प्रोटोसेरिब्रम, ठीक है, जो बेसिकली किसको कंट्रोल करता है, साइज में तो एक बड़ा होता है, कंट्रोल करता है आइज को और ऑसिली को। हमने देखा था ना इंसेक्ट के हेड में ऑसिली पाया जाता है और आइज पाए जाते हैं, तो वो प्रोटोसेरिब्रम कंट्रोल करता है। दूसरा जो है ड्यूट्रोसेरिब्रम, वो एंटीना को कंट्रोल करता है। और तीसरा जो है ट्राइटो, यानी ट्रीटो बोल सकते हैं, ट्रीटोसेरिब्रम, वो बाइलोब्ड होता है और लोअर जॉ इंसेक्ट का जो होता है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर हम ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात करें तो वो मेन सेंसरी सेंटर है, ठीक है, और वो इंसेक्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। दूसरा जो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये क्या है, चेन ऑफ गैंग्लिया से बना हुआ है, और ये कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल, मैंने जैसे नाम में ही लिखा हुआ है। तो वेंट्रल क्या हो गया, कौन सा पार्ट वेंट्रल होता है, जो इंसेक्ट का अर्थ की तरफ होता है, ठीक है, ईसोफेगस के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका कंट्रोल जो है किसके ऊपर है, जो इसका ओवरऑल मतलब कंट्रोल है वेंट्रल नर्व कॉर्ड का, वेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल होता है। ठीक है, थर्ड जो है सब इसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है, वो जो फॉर्म होता है वो 3 सेफेलिक न्यूरोमियर्स से फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये माउथ के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, यानी मैंडिबल, मैक्सिला, लैबियम, इनको कंट्रोल करता है सब इसोफेजियल गैंग्लिया। जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वो है थोरेसिक गैंग्लिया। ये थोरेक्स रीजन में पाया जाता है, जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो थोरेसिक गैंग्लिया है, मैंने बताया कि थोरेक्स रीजन में, और थोरेक्स का कितना सेगमेंट होता है, 3, प्रो, मिजो और मेटा, तो इन तीनों सेगमेंट में एक एक पाया जाता है। ठीक है, फाउंड इन पेयर्स, क्योंकि मैंने बताया वो सीरीज में रन कर रहा है। ठीक है, तो फाउंड इन पेयर्स रेस्पेक्टिव थोरेसिक सेगमेंट्स, यानी एक एक जो थोरेसिक सेगमेंट है उनमें एक एक पाया जाता है। ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है, और लार्जेस्ट कहने का मतलब है कि जो मतलब और जो साइज हम ब्रेन के बाद अगर और गैंग्लिया से अगर हम इसको कंपेयर करें तो लार्ज होता है। और जो इनमें भी लार्जेस्ट थोरेसिक गैंग्लिया होता है वो लेग, क्योंकि हम जानते हैं थोरेसिक रीजन से ही लेग निकलता है, तो लेग के मसल में जो कनेक्शन होगा वो इन्हीं थोरेसिक गैंग्लिया से जाएगा, और उनमें जो भी लार्जेस्ट होगा उनसे। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, एब्डोमिनल गैंग्लिया, जिसका नंबर मैंने कितना बताया था, 8, लेकिन वो इंसेक्ट टू इंसेक्ट डिपेंड भी करता है, वेरी भी करता है। ठीक है, और ये जो है इंसेक्ट का जो लेटरल साइड है वहाँ पे स्पाइरिकल्स पाया जाता है, मैंने बताया था स्पाइरिकल्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ पे ये क्या होता है, उनको कंट्रोल करता है, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग को। और जो लास्ट है वो है थोरैको एब्डोमिनल गैंग्लिया, ये क्या है, ये जो है आपस में किससे बना हुआ है, मिलने से बना हुआ है, यानी कंपाउंड है, ये फ्यूजन से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है इंसेक्ट के जेनाइटल ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, और ये इन अलग अलग रीजन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। VNS मैंने क्या बताया था, विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो भी बॉडी का है उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसका जो कंपोनेंट है वो 3 है, स्टोमोडियल, वेंट्रल और कॉडल। स्टोमोडियल किसको बोलेंगे,
स्टोमोडियम पार्ट। स्टोमोडियम क्या होता है, जो आगे का पार्ट होता है, यानी माउथ का जो, अगर हम जब इंसेक्ट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किस में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो स्टोमोडियम जो प्रिकर्सर होता है माउथ का, जिससे जो आगे चल के इंसेक्ट के माउथ को बनाता है या फिर ह्यूमन के माउथ को बनाता है, उसको हम लोग स्टोमोडियम कहते हैं। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ माउथ। तो स्टोमोडियल पार्ट यानी फ्रंटल पार्ट, ठीक है, वीएनएस का जो होगा स्टोमोडियल वीएनएस कहलाएगा, जो आगे के ऑटोमेटिक एक्शन यानी माउथ रीजन के ऑटोमेटिक एक्शन जो भी हैं उनको कंट्रोल करेगा। वेंट्रल यानी पूरे वेंट्रल नर्व कॉर्ड को जो कंट्रोल करे वहाँ के ऑटोमेटिक एक्शंस को। और जो कॉडल है यानी पोस्टीरियर पार्ट है, यानी एब्डोमिनल रीजन या फिर बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के जो भी ऑटोमेटिक एक्शंस है उनको कंट्रोल करे, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉडल वीएनएस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों सिस्टम हैं साथ में मिलकर कंट्रोल करता है। ठीक है, किनको, इनको वेरियस एंडोक्राइन ऑर्गन्स को, जैसे कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा अलाटा। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट एंडोक्राइन ऑर्गन है और इसका बहुत ज़्यादा ही फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो दोनों, जैसे मैंने नाम लिया कॉर्पोरा अलाटा और कार्डिया का, ये दोनों क्या है, जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, और जुवेनाइल हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है। अगर हार्मोन को अगर हम हटा दें, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर ये हार्मोन, अगर ये मान लो ये ऑर्गन को काट दे जहाँ पे ये कॉर्पोरा अलाटा होता है, ठीक है, अगर उस हार्मोन को काट दे तो इंसेक्ट जो है मेटामॉर्फोसिस ही नहीं कर पाएगा, यानी जो एडल्ट्स होंगे वो मिनिएचर ही रह जाएंगे, यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ओवरऑल जो वीनस का पार्ट है वो क्या करता है, इंडोक्राइन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और ट्रैकियल सिस्टम्स को, यानी एब्डोमेन रीजन पे हो गया जो भी ऑर्गन्स हो गए उनके जितने ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जिन पे बाहर से हमारा कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है उनको कंट्रोल करता है, और उसको हम लोग कहते हैं वीएनएस। जो थर्ड पार्ट है वो कहलाता है पीएनएस। पीएनएस मतलब क्या हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं जो भी वायर्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, वायर्स मतलब वायर्स का फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करना, यानी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, इन सबको आपस में जो कनेक्ट करता है वो होता है पीएनएस। यानी इसके अंदर हमारे ऑल मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सब आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे क्यूटिकल में जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होंगे उनको आपस में कनेक्ट करने वाले जो भी न्यूरॉन्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, पीएनएस में आते हैं। तो ये जो हमारा बेसिक पार्ट था इंसेक्ट नर्वस सिस्टम का हमने कंप्लीट कर लिया, इसका कंपोनेंट है सीएनएस, वीएनएस और पीएनएस। जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो है वो क्या है, गैंग्लिया का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, तो गैंग्लिया क्या है, यहाँ पे ब्रेन, ब्रेन को मैंने दिखाया बेसिकली, तो ब्रेन भी किससे बना है, गैंग्लिया से बना है, तो उसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो ब्रेन का सिर्फ फंक्शन कोऑर्डिनेट ही करना नहीं होता है, ये ब्रेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, उसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो एक तरह का हार्मोन को सिक्रेट करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन हार्मोन कहते हैं। ब्रेन हार्मोन क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट को। ठीक है, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है वो मोल्टिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है। मोल्टिंग हार्मोन क्या है, मोल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, यानी जो है लार्वा क्या होगा, जब बड़ा होगा इंस्टार पीरियड जाएगा तो वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, फिर जब लार्वा जो प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे हमारा आएगा मोल्टिंग हार्मोन, और जो प्यूपा जब एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे मोल्टिंग हार्मोन हेल्प करेगा। यानी जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है ब्रेन का, उनका बहुत सारा एंडोक्राइन में और इंसेक्ट के डेवलपमेंट में फंक्शन है। ठीक है, यानी जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इंसेक्ट के का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है। और जो लास्ट है वो है कॉर्पोरा अलाटा। कॉर्पोरा अलाटा क्या है, ये पाया जाता है हमारे जो ब्रेन है उसके वॉल, मतलब अरोटा जो होता है यानी हर्ट से जो निकला हुआ जो ट्यूब है उसके वॉल्स पे, और ये प्रेजेंट कहाँ है, ब्रेन के जस्ट पीछे, बीनीथ द ब्रेन। ठीक है, वो सिक्रीट करता है जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन भी क्या है, ये मेटामॉर्फोसिस यानी इंसेक्ट के डिफरेंट स्टेजेस में, ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस में हेल्प करता है। अगर ये हार्मोन नहीं हुआ तो क्या होगा, इंसेक्ट जो है ये स्टेज से ये स्टेज में नहीं जा सकता है, ये स्टेज से ये स्टेज में नहीं जा सकता है। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम का कंट्रोल किस पे है, इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस पे है, यानी डिफरेंट स्टेज में ग्रोथ पे है। तो आई होप ये लेक्चर सबको क्लियर हो गया है, और यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ही फॉलो कर सकते हैं, और किसी को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर पीपीटी चाहिए, नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।